इस बच्चे की बातें मान रही हूँ और आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं। तूने तो आज बचा ही लिया, वरना आज जा सड़क पे काटनी पड़ती हमको। वो अम्बा को ना धोखा देने का दिल नहीं करता है मेरे। सालों से मैं लड़कियों को फंसाते आ रहा हूँ, अब लगता है जैसे मैं खुद प्यार में फंस गया हूँ यार। सच बोल रहे हैं? इसको पीने के बाद कोई झूठ बोल ही नहीं सकता है। अब मुझे ये भी पता चल गया कि सुशीला नानी का मुंह किस तरह खुलवाना है। रसोई में क्या कर रही हो? सोने से पहले दूध पीने की आदत है। ये आप पी लीजिए, मैं दूसरा बना लेती हूँ अपने लिए। ला। नहीं भाई, आज पेट कुछ ज्यादा ही भरा हुआ है, दूध पी लेंगे तो कहीं बदहजमी ना हो जाए। नहीं, एक काम करते हैं, रावी को ये दूध दे आते हैं। ऐसी हालत में दूध पीना जरूरी है, ये ठीक रहेगा। ये भांग वाला दूध पीने से रावी चाची को बहुत तकलीफ हो सकती है। अब मैं क्या करूं? नानी को उन तक पहुंचने से कैसे रुकूं? छुआरा खाने को कौन बोला तुमको? ऐसी हालत में छुआरा खाओगी तो क्या होगा? और लड़की पैदा होगी, लड़की। इसमें छुआरा मिला। सही है नानी जी, आप ना आंटी जी को ये दूध पिला दो, बहुत ताकत आएगी उन्हें, क्योंकि इसमें मैंने छुआरा मिलाया। हाँ काका, छुआरा वाला दूध है? अरे तो पहले कहा है नहीं बोला भाई, अब रावी को तो ये दूध दे नहीं सकते। फिर तो नानी जी, इस दूध पे आपकी ही किस्मत है, तो आप ही पी लीजिए। अच्छा चलो ठीक है। वाह बढ़िया था भाई, पर छुआरा का तो स्वाद था ही नहीं। हाँ? मिलावट है नानी जी, अब तो हर चीज में मिलावट होने लगी है। का जमाना है, छुआरा में भी मिलावट। हाँ? लो। अब बस ये दूध जल्दी से अपना काम दिखा दे, तब आपका सच सबके सामने आ जाएगा। मजा आ रहा है ना नानी? हाँ बेटिया, बहुत मजा आ रहा है। जी ये टीना कौन है? हाँ नहीं बेटिया, जो हमारा मेहमान जी है ना, उनकी अम्मा थी। आप हो गई। अरे पर तुम का है पूछ रहे हो, तुमको धीना का भूत दिख गया का? अरे बोल बेटिया। नहीं जी, वो बाहर वाले कह रहे थे कि ये धीना का घर है, वो बहुत अच्छी थी, इसी ने उनको मार दिया। डायन थी डायन, उसको तो मरना ही था, पता है? अपना पति बच्चा सब को खा गई। रावी है ना, रावी का शादी होने वाला था दीना का बड़का बेटा के साथ, पर वो दीना पलट गई और अपने रावी सानी बनते बनते रह गई। अच्छा, इतना सब कुछ मन में लेके बैठे है ये मेरे बेटे के खिलाफ, अब जल्दी से इनका गुनाह कबूल करवाना पड़ेगा मुझे। बाय बाय। नानी जी आप ना थक गई होंगी, लो मैं आपके पैर दबा देती हूँ। दबा दे बेटे। हाँ बेटिया बेटिया, धन्यवाद। जैसे नानी, लीना कैसे मरी? लुढ़क लुढ़क के खाई में गिर के मर गई। उसका जो काल है ना, वो खींच लिया उसको अपने अंदर में। नानी आप झूठ बोल रही हैं, ऐसे कैसे कोई गिर जाता है? अच्छा सच जानना चाहती हो?
हम बताते बताते हैं सर। चल। अरे मेरी माँ, गड़बड़ हो गई है, चल मेरे साथ। आप बताइए रानी। बताइए। एक मिनट में आई जी। नानी मैं अभी आती हूँ, आप यही रहना। अरे रो, अरे सुन, चली गए। ओ तू कर क्या रही है यार? गल सुन मेरी, इधर देख, टेस्ट में फेल हो रहा हूँ मैं, और तू तू गप्पे लगा रही है बैठ के। मैं गप्पे नहीं लगा रहा हूँ, समझे? तुमको कुछ समझ नहीं आता क्या? ठीक है यार, कोई गल नहीं पार्टनर, कोई गल नहीं। अब सुन, तुझे पता है अम्मा ने क्या मांगा मुझसे? वो चांद लग के दो। वो ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ओ यार, ये सब तो कहने की बातें होती है कि मैं चांद तारे लाके दूंगा, असल में थोड़ी ना ऐसे हो जाता है। अगर ऐसे चलता रहा ना तो मेरा बोरिया बिस्तर तो पैक हो जाएगा यहाँ। बस बताओ तो क्या हुआ है? एक्टिंग करने को कहा था, ओवर एक्टिंग कर दी। तो कोई तरीका है तो बता, वरना गड्डी बाहर आएगी, सामान बांधते निकलते हैं यहाँ से। जो कह रही हूँ वो करो। नानी, नानी, आप कुछ बताने वाली थी ना इंदिरा के बारे में? नानी उठो, नानी, नानी बताओ ना, नानी, आप तो कैसे हो? अम्मी, अम्मी पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, क्या करूं? डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती, जाऊंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे पेट में। सच्चाई जानना चाहती हो बेटिया? हमारे हैं दीना को, हमारे रास्ते में जो आएगा ऐसा ही निपटा देंगे हम। बताने आई थी कि मेरे पेट में, आपको पता चल गया कि मेरे बच्ची है, तो आप तो एक जीती जीती औरत को मारते हुए हरासा में समय नहीं लगा, तो मेरी पेट में पनपते हुए बच्चे को मारने में तो एक पल नहीं लगेगा। मेरे को मैं क्या करूं? आपने कहा था तुम्हारे सपने के बीच में आएगा ना आप, तो नहीं भागती थी, आपको बताने आता। अरे वाह, आप चांद ले आए? हाँ जी। मुझे भी दिखाइए। ओ जी, उसके लिए आपको ये अपनी आंखें बंद करनी होगी जी। ना वो आँखियाँ रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं। ऐसे नहीं जी, थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
ना तो हंसना रुमानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं। मैं बंधु जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू, रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है सुबह की अजान है, चाहतों की चादरों में मैंने है संभाले तू, कहीं आग जैसी जलती है बने बरखा का पानी, कहीं कभी मन जाना चुप कैसे यूं ही अपनी चलानी, कहीं जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। अरे वाह, आप तो सच्ची में चांद जमीन पर ले आए। हाँ जी, मैंने अपना वादा पूरा किया जी, अब आपकी बारी। जी मैं तो अपना वादा पूरा करूंगी। हाँ जी। हाँ जी। इसका मतलब आप करेंगे मुझसे शादी? देखिए जी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपका इम्तहान लूंगी, वो तो लूंगी। हाँ जी। बात बनी क्या? वो कहाँ पार्टनर, अभी भी अटकी हुई है वो। ओ यार कोई गल ना, मैं हूँ ना तेरा पार्टनर, मैं सब मान लूँ। ठीक है। पार्टनर ये तो मेरा फोन है ना, तेरे पास कैसे आया फोन? हाँ यार, ये फोन तुम्हारा ही तो है, ऐसे कैसे कोई छोड़ देता अपना फोन? किसी को मिल जाता तो कहीं घूम हो जाता तो, देखो मुझे मिल गया और मैं तुमको वापस लौटा दिया। यार ये पापा पानी पी कर आती हूँ। कुछ समझ नहीं आता इस लड़की का। अरजीत बाजवा के रहते हुए ना तू किसी धर्मशाला में नहीं रुकेगा। तो पापा जी संभाल लिया आपका। मैं स्वरूप। मैं क्या आपको स्वरूप जी कह सकती हूँ? मुझको अच्छा लगता है, राज नहीं दिख रहा। एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाना, यहाँ से ज्यादा पैसे वहाँ पे मिलेंगे। उस लड़की का नाम अम्बा है, अम्बा पावनिया। ज्यादा करीब जाने की जरूरत नहीं है।
ये लड़की और ये सब कुछ तो है जो बहुत गहरा है। मुझे पता करना पड़ेगा कि सच्चाई है क्या। हाँ, यही सच्चाई है। बीजी की मौत का सारा इल्जाम मन्नू पे आ गया, पुलिस पकड़ के ले गई थी। लेकिन आपको और मुझे पता है कि मेरा वीर वड्डा शयाना है, पुलिस को चकमा देके भाग गया। अच्छा सुनिए, ये मन्नू अभी कहाँ है? लौट के आया है या? वो पापा जी कह रहे थे कि अगर लौट के आया तो पकड़वा देंगे। लेकिन मैं अपने भाई मन्नू को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तो मेरे पापा की कोई चाल आगे बढ़ने ही नहीं देता है। हर बार मेरे पापा को उल्लू बना देता है। अभी तक तो लौट के नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा। चाहिए ये मन्नू की कोई तस्वीर, कोई फोटो है तेरे पास? लेकिन हाँ, आप जिस कमरे में ठहर रहे हो ना, वो सिमरन दीदी और गुंजन दीदी का कमरा है। वो दोनों मन्नू की बहन है, शायद वहां से कुछ मिल सकता है। हो ना हो, इस प्रीत का मन्नू से कोई ना कोई वास्ता जरूर है। मुझे सब पता करना होगा। क्यों बनाया प्रीत ने वीडियो? नानी सबसे सच छुपा रही, लेकिन मैं वो सच पता करके ही रहूंगी। आज मैं सुशीला नानी का सच सबके सामने नहीं निकल पाई। तो मम्मी आप चिंता मत करिए, मैं हार नहीं मानूंगी। तो जरूर है जो प्रीत मुझसे छुपा रही है। ये फोटो मैं अपने तकिए के नीचे रखती हूँ ताकि आपको सब याद आ जाए। मम्मी, मैं मुझको नहीं जानता, लेकिन एक बात है, उसी की वजह से आज मैं आपके पास पहुंच पाई हूँ। मम्मी, मुझे मेरी और जय की जोड़ी पे बहुत विश्वास है। देखना मम्मी, जय की मदद से ही मैं सुशीला नानी का सच के सामने ला पाऊं। पार्टनर, पार्टनर सो गए क्या? नहीं पार्टनर, ये सब क्या?
क्या बात है पार्टनर? पार्टनर तुझे अपना सही नाम नहीं बताया, तेरा सही नाम क्या है? प्रीत या मन? चल एक काम करता हूं, मैं ही बता देता हूं तेरा सही नाम। मनु, मनप्रीत पवनिया।